हेलो बच्चों। अच्छा बच्चों, आपके घर पर आपके साथ कौन कौन रहता है? कौन कौन से लोग रहते हैं आपके साथ? कई लोगों के साथ इनके मम्मी पापा और भाई बहन रहते होंगे। कई लोगों की फैमिली में इनके साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची और भी मेंबर्स ऐड होते होंगे। तो जिनमें सिर्फ मम्मी पापा और आपके भाई बहन रहते हैं तो वो कहलाती है कौन सी फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली। और कुछ फैमिलीज जिनमें मम्मी पापा और भाई बहन के अलावा दादा दादी या फिर चाचा चाची या फिर और भी फैमिली मेम्बर ऐड होते हैं तो वो कहलाती है जॉइंट फैमिली, कंबाइंड फैमिली, बड़ी फैमिली कहलाती है वो। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपकी फैमिली जो होती है दो तरीके से डिवाइड होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली और एक कंबाइंड फैमिली या जॉइंट फैमिली को बोलते हैं बड़ी फैमिली। ठीक है ना? एक बड़ा परिवार। तो इस तरीके से आपके घर पर मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, मान लीजिए आपके भैया की शादी हो रही है, तो भैया की शादी होने से आपकी फैमिली में क्या चेंज आएगा? आपकी फैमिली में एक मेंबर ऐड हो जाएगा, है ना? एक मेंबर कौन ऐड हो गया? आपकी भाभी ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ परिवार जो होते हैं उनमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं? किसी की शादी होने से या किसी बच्चे, एक नए बेबी के बर्थ लेने से आपकी फैमिली में चेंज आता है, एक मेंबर ऐड हो जाता है। तो फैमिली में चेंज आने से जैसे जैसे हमारे फैमिली में मेंबर ऐड होते जाते हैं, हमारी फैमिली में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। हम हो सकता है छोटे घर में रह रहे हो तो हम बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं, हो सकता है हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या अपने घर के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस करते हैं। तो फैमिली के चेंज होने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 4th EBS का चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज। इसमें कुछ बच्चों के घरों के बारे में बात की गई है कि उनके घरों में अगर कोई फैमिली मेंबर ऐड होता है तो उनके घरों में उसके कारण से क्या क्या चेंजेस आए। तो आइए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं क्लास 4th EBS का चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज। इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आपको नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसको सही शब्द से फिल करना है। ओके, तो पहला है डैश कीप चेंजिंग। क्या हमेशा चेंज होती रहती हैं? फैमिलीज। फैमिलीज कैसे चेंज होती हैं? फैमिलीज जो होती हैं, कई कई बार होता है हमारे साथ जो होता है कोई नया मेंबर ऐड हो जाता है या कोई एक नया मेंबर जो होता है वो चला जाता है, उसकी वजह से हमेशा फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है ना? तो फैमिलीज कीप चेंजिंग। नेक्स्ट है फैमिलीज चेंज बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। अब फैमिली में चेंज किसकी वजह से आते हैं? उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, काफ़ी सारे रीजन की वजह से फैमिली में हमेशा चेंजेस आ सकते हैं। तो इसका आंसर है रीजंस आएगा इसमें। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ न्यू बेबी इंक्रीजेज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अब क्या लिखा है? अराइवल ऑफ न्यू बेबी मतलब किसी नए बच्चे के आने से, अराइवल मतलब आना, न्यू बेबी मतलब छोटा बच्चा, किसी छोटे बच्चे के घर में आ जाने से, नए बच्चा का जब जन्म होता है उसके आने से इंक्रीज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। फैमिली मेंबर के नंबर्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब वो बढ़ जाते हैं फैमिली मेंबर। नेक्स्ट है चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ। जो फैमिली होती है ना, फैमिली लाइफ होती है, उसमें चेंजेस जो होते हैं उसका एक पार्ट है, मतलब हमेशा फैमिली में चेंजेस होते रहते हैं, ये फैमिली लाइफ का एक पार्ट है चेंजेस। ठीक है ना? नेक्स्ट है लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज फिक्सेस द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा लॉ है, उसमें जो मैरिज होती है ना, मैरिज की एक मिनिमम जो एज है वो डिसाइड की गई है गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के भी। अगर जो मिनिमम एज डिसाइड की गई है उससे पहले कोई भी लड़का या लड़की शादी नहीं कर सकते हैं, ना ही उनकी फैमिली मेम्बर उनकी शादी करवा सकते हैं। तो हमारे लॉ में जो है चाइल्ड मैरिज फिक्सेस द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, मैरिज की एक मिनिमम एज, मिनिमम मतलब कम, कम से कम जो एज है वो डिसाइड की गई है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है जो स्टेटमेंट्स है वो सही है या गलत है। इसका पहला है पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। क्या बोल रहा है पंचायत? क्या बोल रहा है? जो गांव होते हैं, गांव में अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चों की शादी जो है छोटी छोटी एज में कर दी जाती थी, तो इसलिए पंचायत ने क्या बोला? पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं शुड प्ले एंड स्टडी, उनको क्या करना है? उनको खेलना है और पढ़ना है, एंड नॉट टू बी मैरिड, उनकी शादी नहीं करनी है। ठीक है ना? किस लिए हैं छोटे बच्चे? बच्चों को खेलना है और पढ़ना है, उनकी शादी जो है वो नहीं होनी चाहिए छोटी सी एज में, बच्चों की शादी में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ठीक है ना? नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है।
नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज फिक्सेस द मैक्सिमम एज ऑफ मैरिज, ये फॉल्स है। इसमें ये बोल रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज है उसकी जो है मैक्सिमम एज फिक्स की गई है लॉ में, तो ये गलत है। लॉ में चाइल्ड मैरिज की मिनिमम एज डिसाइड की गई है कि इससे कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं हो सकती है, इतनी उम्र के बच्चे को होना ही चाहिए, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट, यहाँ मैक्सिमम नहीं मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ अ गर्ल इज 18 ईयर्स। अब जो मिनिमम एज डिसाइड की गई थी वो क्या है, गर्ल्स के लिए जो मिनिमम एज है वो क्या है, 18 ईयर्स, ये सही है। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ अ गर्ल मतलब एक लड़की की शादी की मिनिमम उम्र, मतलब कम से कम कितने साल की होनी चाहिए वो लड़की, 18 साल की होनी चाहिए, तभी उसकी आप शादी कर सकते हैं। द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ अ बॉय इज 21 ईयर्स। अब मिनिमम एज जो बॉयज़ की है वो क्या डिसाइड की गई है, 21 ईयर्स, ठीक है। तो गर्ल्स की एज क्या है, 18 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए और बॉयज़ की एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स की होनी चाहिए शादी के लिए, उससे कम उम्र के लड़के और लड़की की शादी हम नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ निम्मीज फैमिली डिड नॉट चेंज आफ्टर अराइवल ऑफ न्यू बेबी। जो इसमें बोल रहा है कि जो निम्मी की फैमिली है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए एक नए बेबी के आने से, तो ये गलत है। कोई भी नया मेंबर ऐड होता है तो उसकी फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इस चैप्टर में एक निम्मी नाम की लड़की है जिसकी फैमिली में एक नया छोटा बच्चा आया हुआ है, उसकी छोटी बहन आई हुई है, तो उससे उसकी फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। नेक्स्ट है, मैच दीज कॉलम्स। अब इसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है, सही जोड़ी मिलानी है। इसमें पहला है कॉलम ए में, एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली। निम्मी की फैमिली में एक्साइटमेंट किस लिए था, क्योंकि निम्मी की फैमिली में एक नया छोटा बेबी आया था, अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी। निम्मी की छोटी बहन आई थी, एक छोटा बेबी आया था, इसलिए उसके घर में बहुत एक्साइटमेंट था, ओके। तो इसका ये है, एक्साइटमेंट इन निम्मीज फैमिली, अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी। नेक्स्ट है, सेरिंग्स फैमिली। जो सेरिंग्स है उसकी फैमिली में क्या चेंज आए थे, वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। जो सेरिंग के पापा हैं उनके ऑफिसर्स को एक लेटर, उनको एक लेटर आया कि उनका जो है प्रमोशन हो गया और उनको शिफ्ट करना है दूसरी सिटी में, तो वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी। उनको क्या चेंजेस आए उनकी फैमिली में, कि उनको जो है यहाँ की सिटी छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, जिससे उनकी फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आए। नेक्स्ट है, चेंज इन नाजल्स फैमिली। अब नाजल्स की फैमिली में क्या हुआ, मैरिज ऑफ कज़न। कज़न मतलब आपका चचेरे भाई की जो होते हैं या बहन होती है उनकी शादी हुई, ठीक है। तो उनके चचेरे भाई की शादी थी नाजल की, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी शादी हुई तो उसकी नई भाभी आई, तो उसकी फैमिली क्या चेंजेस आए, मैरिज ऑफ कज़न, उसकी कज़न की शादी हुई। नेक्स्ट है, मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स मैरिज। अब गर्ल्स की मिनिमम एज क्या है मैरिज की, वो आपको इसलिए बताया था मैंने, तो उसमें क्या है, 18 ईयर्स मिनिमम एज क्या है गर्ल्स की मैरिज की, 18 ईयर्स, ओके। समझ में आ गया आपको, एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली, अराइवल ऑफ अ न्यू बेबी, सेरिंग्स फैमिली, वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, चेंज इन नाजल्स फैमिली, मैरिज ऑफ कज़न, मिनिमम एज ऑफ गर्ल्स मैरिज 18 ईयर्स, ओके। नेक्स्ट है, आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके आंसर देना है। पहला है, राइट डाउन द रीज़न फॉर चेंजेस इन नाजल्स ऑफ निमीज सेरिंग्स एंड नाजल, ठीक है ना। आपको लिखना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से फैमिली में चेंजेस आए, किनके किनके, निम्मी सेरिंग और नाजल की फैमिली में चेंजेस आए, उनके रीज़न बताने हैं।